इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान एक जीता हुआ मैच आखिर पर हार गया। पाकिस्तान की बॉलिंग ने बेहतरीन परफॉर्म करते हुए इंडिया को 119 रन पर ऑल आउट कर दिया था, लेकिन कमाल देखें पाकिस्तानी बैटिंग के, जो सिर्फ 120 गेंदों पर 120 रन ही ना स्कोर कर सकी। आखिर में पाकिस्तान के दो फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी और नसीम शाह बैटिंग कर रहे थे। जब मैच की आखिरी बॉल पर 8 रन चाहिए थे तो नसीम शाह बैटिंग एंड पर मौजूद थे। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन वो मैच न जितवा सके और फिर इसी वजह से वो दिल बर्दाश्ता होकर जज्बाती भी हो गए। नसीम शाह इस नाकाबिले यकीन हार पर रोने लगे, जिस पर शाहीन अफरीदी उनको चुप करवाते हुए नजर आए। नसीम शाह के अलावा तमाम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और फैंस भी इस पर बहुत ज्यादा अफसरदा हैं। इस पर रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर भी बहुत ज्यादा मायूस हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान डिजर्व ही नहीं करता कि वो सुपर 8 मरहले में पहुंचे। मजीद उनका ये कहना था। Hey guys, मैच आपने देखा, आई नो यू आर डिसअपॉइंटेड एंड द होल नेशन इज डाउन एंड अबाउट मोरल इज डाउन। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, बिगनिंग ऑफ द गेम फर्स्ट इन गोल डज नॉट मैटर, यू नो डे यू हैव टू प्ले फॉर ईच अदर एंड प्ले फॉर द कंट्री सम हाउ, यू नो आपको इंटेंट दिखानी होती है कि हमने मैच जीतना है। हमने 1000 रन स्कोर नहीं करने, हमारे 4000 रन नहीं हुए, 10000 नहीं हुए, सो Disappointing, but do Pakistan deserve to be out in Super 8? God knows, but you know that is a question I'm leaving with you guys. You decide.